हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि स्नैपसीड एप्लीकेशन को आप अपने फ़ोन पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए और यहाँ पे टाइप करिए स्नैपसीड और इसको इंस्टॉल कर लीजिए। और यहाँ मेरा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा इंस्टॉलेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा। यहाँ पे ओपन करके एक ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करिए और इसे अलाउ कर दीजिए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके गैलरी के जितने भी फ़ोटोज़ हैं वो यहाँ विजिबल हो गए हैं। तो इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए और ये लोड हो रही है। और लोडिंग के बाद ये इसका यूज़र इंटरफेस है। ये पोर्शन जो है जिसमें फ़ोटो आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे आप अपनी एडिटिंग को देख सकते हैं, जो भी फ़िल्टर्स वगैरह आप इसमें लगाते हैं। और नीचे में आप देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जो काफ़ी सारे फ़िल्टर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। और उसके नीचे में आप देख सकते हैं तीन ऑप्शंस हैं, स्टाइल्स, टूल्स और एक्सपोर्ट। तो स्टाइल्स में आप देख सकते हैं कि हमें काफ़ी तरीके के फ़िल्टर्स मिलते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी फ़ोटो में उसको अच्छी लुक देने के लिए। और उसके बाद हम टूल्स पे आते हैं। टूल्स में हमें काफ़ी सारे टूल्स मिलते हैं फ्रेंड्स। तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो पहला ऑप्शन है ट्यूनिंग का। ट्यूनिंग मतलब अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कॉन्ट्रास्ट, सेचुरेशन वगैरह अगर घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप घटा बढ़ा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। और अगर ब्राइटनेस वगैरह आपको घटाना बढ़ाना है तो आप घटा बढ़ा सकते हैं यहाँ से। और जो इसके बाद है वो है इसका डिटेल्स का। डिटेल्स में जाने के बाद आप सिर्फ इसका डिटेलिंग देख सकते हैं। और इसको अगर आप फ़ोटो में यहाँ से स्लाइड करिएगा तो इसको घटा बढ़ा सकते हैं, इसकी डिटेलिंग को। आप यहाँ ऊपर में आप देख सकते हैं जो बार इधर उधर हो रही है उससे आपको पता चल जाएगा कि माइनस में आपकी डिटेलिंग है या नेगेटिव में है। और उसके बाद जो ऑप्शंस है वो कर्व का ऑप्शन है। कर्व में आप देख सकते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जो बिगिनर यूज़र्स हैं। अपने ग्राफ का इस्तेमाल करके आप इसको डिटेलिंग दे सकते हैं। और यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, इसको आप मिक्स करके अपने फ़ोटो में कलरिंग वगैरह ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फिल्टर्स भी आपको मिलते हैं, जैसे हार्ड कॉन्ट्रास्ट का। और इस जो ये जो ग्राफ का लाइन है इसको आप अप डाउन करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमें जो ऑप्शन मिलती है वो है वाइट बैलेंसिंग का। वाइट बैलेंसिंग में आपको यहाँ पे ऑटो एडजस्टेड मोड और इसको ऑन और ऑफ़ करने का भी ऑप्शन मिलता है। और यहाँ से आप इसके टेम्परेचर और टिंट वगैरह को प्लस माइनस कर सकते हैं। और अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया पे जा करके उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यूज़ करके आप उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें सिलेक्टिव का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करके उसको आप एडिट कर सकते हैं जैसा आप चाहें। और फिर हमें ब्रश का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि पेंट में होता है, जैसे एक ब्रश होता है और हमें कलर चूज़ करने पड़ते हैं, वैसा ब्रश आपको इसमें मिलेगा। जिस जगह का आप टेम्परेचर वगैरह हटाना चाहते हैं, घटाना बढ़ाना चाहते हैं, तो जस्ट वो उस ब्रश को सिलेक्ट करके आप फ़ोटो के उस पर्टिकुलर एरिया पे रब करिए। तो ये था हमारा ब्रश का ऑप्शंस। फिर आते हैं हीलिंग में। हीलिंग में आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया को आप ब्लर कर सकते हैं, यहाँ पे इसको आप हटा सकते हैं बस अपने फिंगर्स को यूज़ करके। और यहाँ जो बैक एरो आपको दिख रहा है ये अंडू का है, इसको यूज़ करके आप किसी भी एडिटिंग को इन्वर्ट कर सकते हैं अगर कुछ कैंसिल करना हो तो। उसके बाद हमें ऑप्शन मिलती है HDR स्केप की। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। अगर आपने फ़ोटो को HDR इफ़ेक्ट देना चाहते हैं तो आप HDR वाला ऑप्शन को चूज़ करिए।
यहाँ क्लियरली आप देख सकते हैं कि हमारी फ़ोटो में डिटेलिंग काफ़ी अच्छी हो गई है। इसके बाद हमें जो ऑप्शन मिलती है वो है ग्लैमर ग्लो का। यहाँ पे काफ़ी सारे प्री डिफाइंड फिल्टर्स आपको मिलेंगे, जो पाँच ही हैं। इन पाँचों को यूज़ करके आप इसका ग्लो घटा बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसको मैन्युअली करना चाहते हैं तो यहाँ पे जा करके आप मैन्युअली सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें ऑप्शन मिलती है टोनल कॉन्ट्रास्ट का। यहाँ पर जाने के बाद आप इस आइकन पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जिसको आप घटा बढ़ा सकते हैं यहाँ से और एडजस्ट कर सकते हैं टोनिंग। उसके बाद हमें ड्रामा का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसमें भी काफ़ी सारे आपको प्री डिफाइंड फिल्टर्स मिल जाएंगे, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी फ़ोटोज़ को सुंदर बनाने के लिए। ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें विंटेज का ऑप्शन मिलता है। विंटेज में भी आपको प्री डिफाइंड फिल्टर्स मिल जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे फिल्टर्स आपको मिलेंगे और इसको यूज़ करके आप अपनी फ़ोटोज़ को प्रीमियम लुक दे सकते हैं। उसके बाद हमें ग्रेनी फिल्म का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे भी हमें काफ़ी सारे प्री डिफाइंड ऑप्शंस मिलेंगे और इसको यूज़ करके आप अपने फ़ोटोज़ को और भी सुंदर बना सकते हैं। तो अगर आप इसको मैन्युअली करना चाहते हैं तो आप बस यहाँ पे क्लिक करके इसका ग्रेन को घटा बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि रेट्रोलक्स करके एक ऑप्शन है। यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे फिल्टर्स मिलेंगे, जो आपकी फ़ोटोज़ को काफ़ी अच्छी शेड्स प्रोवाइड करेंगे। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद हमें ग्रंज का ऑप्शन मिलता है। ग्रंज में बेसिकली आप इसकी सेंटर के साइज़ को घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सर्कल है, मैं इसको अगर बढ़ाता हूँ तो जो साइड का ब्लरी एरिया है वो डार्क हो रहा है, और जैसे इसे छोटा करूँगा तो वो और ज़्यादा डार्क होता जाएगा और सेंटर में डार्कनेस कम है। तो ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको। उसके बाद हमें ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको अपनी फ़ोटोज़ में ब्लैक एंड वाइट इफ़ेक्ट देना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और अपनी फ़ोटो को ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। उसके बाद हम नॉयर ऑप्शन देखते हैं। ये थिएट्रिकल लुक देने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें काफ़ी सारे प्री डिफाइंड ऑप्शंस मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और उसके बाद हमें पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे एक एरर आ रहा है कि इसमें कोई फेस नहीं मिला इसे, क्योंकि ये नेचुरल फ़ोटो है तो इसीलिए इसमें पोर्ट्रेट काम नहीं आएगी। अगर आप अपना कोई पर्सनल फ़ोटो वगैरह डालते हैं तो उसमें आप पोर्ट्रेट मोड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें हेड पोज का ऑप्शन मिलता है। इसके लिए भी हमें फेस रिकग्निशन चाहिए, तो ये एक जस्ट एक सीनरी वाला फ़ोटो है तो इसमें कोई फेस डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है ये फ़िल्टर। उसके बाद हमें लेंस ब्लर का ऑप्शन मिलता है। ये आपको DSLR इफ़ेक्ट देने में बहुत काम आएगा। ये आप देख सकते हैं कि जैसे अगर मैं इसको घटाता बढ़ाता हूँ तो उस एरिया को छोड़ के बाकी बाहर का जितना रीजन है वो ब्लरी इफ़ेक्ट हो जाएगा थोड़ा, जो DSLR लुक आपकी फ़ोटोज़ को प्रोवाइड करेगी। और इस तरह आप अपनी फ़ोटोज़ को DSLR इफ़ेक्ट दे सकते हैं। उसके बाद हम विगनेट पे जाते हैं। विगनेट पे जाने के बाद आप सिंपली फ़ोटोज़ पे स्लाइड करके इसके ब्राइटनेस वगैरह को घटा बढ़ा सकते हैं। जो इसके साइड के एजेस होते हैं उस पर ये आप देख सकते हैं, या फिर आप इस बटन पे टच करने के बाद यहाँ से आप उसको घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमें डबल एक्सपोजर का ऑप्शन मिलता है। तो डबल एक्सपोजर में हम एक और एक्स्ट्रा फ़ोटो अपनी गैलरी से ऐड कर सकते हैं और उसको भी साथ में ही एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह ये डबल एक्सपोजर काम आता है। उसके बाद हमें टेक्स्ट ऐड करने का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं, टेक्स्ट पे जाने के बाद हमने टेक्स्ट पे टैप किया और ये ऑप्शन मिल गया। इस टेक्स्ट के कलर को आप चेंज कर सकते हैं, आप जैसा कलर चाहें वैसा कलर इसको बना सकते हैं। और अगर इस टेक्स्ट को आप एडिट करना चाहते हैं तो उस टेक्स्ट पर डबल टैप करें और यहाँ पर आप लिख दें
जो आपको लिखना है यूजिंग ऐप्स में लिख रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको चेंज कर दिया और मैं इसको यहाँ प्लेस कर देता हूँ। इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ से किसी भी एरिया में, और उसके बाद हमें फ्रेम्स का ऑप्शन मिलता है जो फ़ोटोज़ की साइड्स एजेस को हम अलग अलग फ्रेम दे सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी सारे प्री डिफाइंड फ्रेम्स हमें मिलते हैं फ्रेंड्स, जो आपकी फ़ोटोज़ को बहुत ही सुंदर बनाने में हेल्प करेगा। ये सारी एडिटिंग करने के बाद अगर आप अपनी फ़ोटोज़ को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस एक्सपोर्ट बटन पे आकर के आप क्लिक करिए, और यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हैं एक लेयर का ऑप्शन है। यहाँ पे आप अपनी कुछ भी एडिटिंग को अंडू कर सकते हैं और उसको रिवर्ट बैक भी कर सकते हैं। और आपको अगर अपनी एडिटिंग को देखना है कि आपने क्या क्या किया, तो व्यू एडिट पे जा कर के ये आप देख सकते हैं कि आपने क्या क्या इसमें ऐड किया है, और उस हिसाब से आप अपनी फ़ोटो को और कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और जैसे कि एक्सपोर्ट करना है आपको एडिटिंग करने के बाद, तो बस एक्सपोर्ट पे क्लिक करिए और आप जैसा चाहे वैसा इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट शेयर करना चाहें तो शेयर भी हो जाएगा, और अगर आप सेव करना चाहते हैं तो सेव पे क्लिक करिए और आपकी फ़ोटो डायरेक्ट गैलरी में सेव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के और भी ट्यूटोरियल्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।